इंडिया जीतेगी। आपने उनको सारे 9 मैचों की तरह हराया, वो इस बार भी हराएंगे। कोहली शतक मारेगा, पाकिस्तान को हराना है। बाप बाप है और बेटा बेटा रहेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। कल भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच है, यानी कि इस वर्ल्ड कप का सबसे धांसू मैच, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दर्शक दिखेंगे और सबसे ज़्यादा टीवी पर भी लोग दिखेंगे मैच देखते हुए, क्योंकि ये मैच बहुत दिनों बाद हो रहा है। भारत और पाकिस्तान चीर प्रतिद्वंदी हैं और इस मैच को लेकर के भारत में क्या लोग रुख रखते हैं, ये जानने के लिए हम निकले हैं बाहर और कुछ लोगों से जानेंगे कि कल के मैच को लेकर के वो क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा, वो किसे सपोर्ट करते हैं और क्यों लगता है कि उनकी टीम जो है वो जीतेगी। तो चलिए जानते हैं। कल तैयार हैं आप मैच देखने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैच देखने के लिए। हमारा हिंदुस्तान जीतेगा। क्या लगता है पाकिस्तान की क्या ऐसी कमजोरी है कि इस बार भी इंडिया ही जीतेगी? पाकिस्तान में मजबूती है का आजकल, सातवीं बार भी इंडिया उसको पटक देगी। विराट भी मारेंगे, रोहित भी मारेंगे, शर्मा जी के लड़के भी मारेंगे। 100 रन का डिफरेंस में जीतेंगे, 100 रन के डिफरेंस में जीतेंगे। अभी तक का जो प्लेयर ये मैच हुआ उसमें पाकिस्तान के जो कप्तान थे वो बोल रहे थे कि हमसे सारी टीमें डर रही हैं। सारी टीम तो डरेगी, हिंदुस्तान तो डर रहा है, नहीं बोला ना? हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान कभी नहीं डर सकता। इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। क्या लगता है कल कोहली क्या करेंगे? कोहली शतक मारेगा, शतक मारेंगे। और बॉलिंग में आपको क्या लगता है कौन अच्छा करेगा? बॉलिंग भी अच्छी होगी, बुमराह है और भुवनेश्वर है, ये लोग क्या कल भी मतलब अच्छे। अच्छा एक बड़ी चीज़ है, बारिश बड़ा परेशान कर रही है, क्या लग रहा है बारिश? इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है जब बारिश नहीं होता, बारिश नहीं होगी। इंद्र देवता भी हार मान जाते हैं कि नहीं आज देखना है हमें। कल मैच होगा और इंडिया ही जीतेगी। अच्छा क्या क्या लग रहा है, लगभग कितने का स्कोर आप चाहते हैं कि इंडिया खड़ा करे अगर पहली बैटिंग करे तो, या फिर कितने की चेजिंग? 300 प्लस की चेजिंग होगी तो बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि हमसे सारी टीमें डरी हुई हैं। वो उनका शुरू से बहम रहा है, हर बार हारते थे, हारते हारते रहेंगे, वो होल लाइफ यही सोचते रहेंगे, एज्यूम करते रहेंगे, बट एक्चुअल उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, नहीं करते, वो कभी भी नहीं गिर पाएंगे। वो यार हमारे बच्चे है, बच्चे ही रहेंगे। शोएब अख्तर ने ट्वीट किया, उसमें वो सहवाग से पूछे कि ये वाला मैच जो होगा ये दूसरा फाइनल होगा, तो सहवाग बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल मैच की तरह। इंडिया के नॉर्मल है, वो फाइनल सोच के प्रेशर ले रहे हैं, हमारे लिए नॉर्मल मैच है। हमने उनको सारे 9 मैचों की तरह हराया, वो इस बार भी हराएंगे। वो हमारे आगे आगे कहीं भी आस पास भी नहीं फटकते, वो इस बार भी रहेंगे। वो हर सेक्शन में उनसे बेटर है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब जगह उनसे बेटर है। इंडिया टीम कितनी भी कमजोर हो, जब पाकिस्तान अगेंस्ट होती है परफॉर्मेंस खुल के आता है, जज्बा होता है, जज्बा कि पाकिस्तान को हराना है, किसी जीते या ना जीते बट पाकिस्तान से हमें जीतना है। इस बार तो बहुत दिन हो गए और फिर ये जो तनाव भी बढ़ा उसका भी असर दिखेगा। उससे क्या होगा, उससे हम और अच्छे रन जीतेंगे। अगर पहले 100 रन जीते थे, हम 200 रन से जीतेंगे, हम वो तो डेफिनेट जीतना ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं। कितने का स्कोर इंडिया में बैटिंग करती है पहले तो बड़ा करते हैं? अप्रोक्स 350 300 प्लस। बड़ी जीत चाहते हैं भारत की, बड़ी जीत। और इस बड़ी जीत का मतलब असर क्या देखते हैं अगर इंडिया जीत गई है उसका? हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, पाकिस्तान को हराना है, बाप बाप है और बेटा बेटा रहेगा। हमारा वर्ल्ड कप ही पाकिस्तान को हराना है, वो हारेगा, हमारा वर्ल्ड कप वैसे ही जीत लिया, बाप बाप रहता है, बेटा बेटा है यार। तो आप समझ सकते हैं कि फैंस हैं, फैंस किस तरीके की बातें करते हैं, फैंस के अपने नजरिए होते हैं, उनका अपना इमोशंस होता है। कभी भी इंडिया पाकिस्तान से नहीं हारने वाला, हमारे लिए पाकिस्तान को हराना वर्ल्ड कप जीतने से भी बड़ी बात है, ऐसा फैंस का कहना है। खैर कल क्या होगा ये तो कल हम देखेंगे मैच में, आशा करते हैं कि कल बारिश ना हो मैच के दौरान और ये मैच का रोमांच जो है बना रहे, कल दर्शक मैच देखें और इस पूरे मैच का लुत्फ़ उठाएं।